देश भर सहित नीमच के समूचे अंचल में मुस्लिम समाज द्वारा ईद उल फित्र का पर्व 30 दिन के पवित्र माह रमजान की समाप्ति के बाद सोमवार को बड़ी ही खुशियों के साथ शानो शौकत के बीच मुस्लिम समाज जनों ने अपने अपने परिवार के बीच मनाया। इस बार लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए ईद की नमाज ईदगाह में अदा नहीं की गई। वहीं शहर के जामा मस्जिद व अन्य मस्जिदों में ईद की नमाज शहर काजी की मौजूदगी में सिर्फ 5 लोगों ने अदा की। वहीं इस बार सभी मुस्लिम समाजजनों ने अपनी ईद की नमाज अपने अपने घरों में ही अदा की। साथ ही परिवारजनों को ईद की बधाई देकर खुशियाँ मनाई और अपने रिश्तेदारों को सोशल मीडिया पर मैसेज व वीडियो कॉल के जरिए बधाई दी। मीठी ईद के पर्व पर सभी मुस्लिम समाजजनों ने अपने अपने घरों में सेवैयां, शीर खोरमा एक दूजे को खिलाकर खुशियां बांटी। इस दौरान शहर काजी सद्दाम हुसैन अत्तारी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि रमजान का पवित्र और प्यारा महीना गुजर चुका है। इस रमजान के पवित्र महीने में सभी मुस्लिम समाज जनों ने रोजे रखकर इबादत की व इस ईद उल फित्र के पर्व पर समाज जन ईदगाह में नमाज अदा करते थे और मस्जिद भरी रहती थी, लेकिन इस बार लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए सिर्फ 5 लोगों ने नमाज अदा की है। बाकी समाज जनों ने अपने अपने घरों में ईद की नमाज अदा की। शहर काजी सद्दाम हुसैन अत्तारी ने कहा कि पूरे रमजान में शहर व हमारा देश इस बीमारी से दूर रहे और खासकर ईद के दिन हुई इस नमाज में भी सभी समाज जनों ने नमाज अदा करके यही दुआ की और इबादत की कि हमारा शहर व हमारा देश इस महामारी से पूरी तरह से मुक्त हो जाए। सभी शहरवासियों और देशवासियों को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। रमज़ान अल मुबारक का जो है मुबारक और प्यारा महीना ये गुज़र चुका है। इस माह रमज़ान में जो है तमाम कौम मुस्लिम ने रोज़े रखकर इबादत की और ये इबादत करने के बाद आज का जो खुशी का दिन है ईद उल फित्र, तो इस मुबारक दिन में बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान ईदगाह में नमाज अदा किया करते थे, मस्जिदें भी भरी हुई रहती थीं। लेकिन इस बार चूँकि लॉकडाउन है तो इसका पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 5 लोगों ने मस्जिदों में नमाज अदा की, जामा मस्जिद में भी इतने ही लोगों ने नमाज अदा की। जी बिल्कुल, माह रमज़ान के मुबारक महीने में भी जो है इस बीमारी से हमारा शहर, हमारा देश, बल्कि पूरी दुनिया ही इस बीमारी से बची रहे, महफूज रहे और इस बीमारी का पूरे वर्ल्ड से ही खात्मा हो। माह रमज़ान में भी जो है इसके लिए दुआएं की गई और बिलखुसूस आज नमाज ईद में ख़ासकर ये दुआएं की गई कि हमारा शहर जो है इस बीमारी से महफूज रहे, हमारा मुल्क इस बीमारी से महफूज रहे और पूरी दुनिया से ही इस बीमारी के खात्मे के लिए दुआएं की गई। और यही जो है हमारी सबसे बड़ी ईद है कि हम स्वस्थ रहें और हम अच्छे रहें।